हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। कहावत है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक लेमनेड। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में, पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो, आज मैं कोई गेम प्ले नहीं डालने वाला था, सीरियसली बोलता हूँ, मैं कोई और काम करने वाला था आज। लेकिन मैं एक फ़ोन पे बात कर रहा था अपने दोस्त से, तो उसने टीवी देख रहा, उसके घर में टीवी चल रही थी शायद, उसने तुरंत मेरे को बोला कि इरफान सर की देहांत हो गई। तो मैंने बोला क्या पागलगिरी कर रहा है, मतलब मत बनाओ यार किसी को। तो उसने बोला कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने तुरंत गूगल किया, मैंने न्यूज़, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, मैंने तुरंत गूगल किया, न्यूज़ देखा, ये सारी चीज़ें कन्फर्म की कि हाँ उनकी मौत हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, उस पोस्ट के नीचे है ना एक बंदे ने मुझे 3-4 कमेंट किए हैं और मुझे डीएम भी किया, डायरेक्ट मैसेज किया मुझे कि भाई रूमर मत फैलाओ, ये फेक न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें फेक है। तो देखो यार, विश्वास नहीं होता, सीरियसली मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। तब भी मैंने बोला था कि फेक बोल रहा है मेरा दोस्त, जबकि मुझे खुद बोल रहा है कि उनकी मौत हो गई। तब भी मैं गूगल करके सर्च करके ये देख रहा हूँ कि पक्का न्यूज़ तो है, सही न्यूज़ तो है। उसके बाद उस लड़के ने मेरे को बोला कि रूमर मत फैलाओ, तो मैं समझ सकता हूँ कि प्यार जो करता है ना किसी से, तो उसको पता नहीं चलता। सीरियसली बोलता हूँ, ये तो फिर भी एक अभिनेता है जिनके साथ मैं कभी मिला नहीं हूँ, फिर मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो पर्सनली देख चुका हूँ ये सारी चीज़ें, जो अपना जाता है ना, मतलब आपको पता नहीं चलता, आप विश्वास नहीं कर पाते हो कि वो गया है, मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, सीरियसली बोल रहा हूँ। भाई साहब, बात करूँ इरफान सर की, तो जब भी एक्टिंग की बात आएगी, एक आर्टिस्ट की बात आएगी, इरफान सर का नाम आएगा ही आएगा, चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो यूट्यूब में कोई क्रिएटर हो, या फिर टिकटॉक का एक कोई क्रिएटर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, कहीं का भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो हिंदी, बंगाली, मराठी, कोई भी एक आर्टिस्ट हो, चाहे वो हॉलीवुड का एक्टर हो, सबके जुबान पे एक बार इरफान सर का नाम आएगा ही आएगा। क्योंकि ये इंसान है ना, करोड़ों अरबों लोगों में से मतलब एक इंसान थे ऐसे, मतलब जिनके पास कोई बॉडी नहीं, कोई शक्ल नहीं, जो मतलब फिल्म स्टार ना लग सके, लेकिन फिर भी वो उसने अपनी कला से इतना लोगों को अट्रैक्ट किया कि आप हज़ारों करोड़ों की भीड़ में भी उस इंसान को पहचान जाओगे। तो बहुत ही बेहतरीन अदाकार थे यार। और इनकी मौत की एक बात बताऊं आप लोगों को, तो सबसे पहला जो न्यूज़ आया था कि इरफान खान बहुत ज़्यादा बीमार है, तब मैंने सोचा था यार इस बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बंदे हैं ना, मतलब ऐसे लोग बहुत कम आते हैं इंडस्ट्री में, या फिर बॉलीवुड में, कहीं पर भी आर्टिस्ट में ऐसे लोग बहुत कम आते हैं जो इतने अच्छे आर्टिस्ट होते, तो इन सबको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारे बॉलीवुड स्टार ने भी ट्वीट करके उनका मनोबल बढ़ाया था, और उससे बहुत फ़ायदा मिला था। इरफान खान कवर अप हुए, उसके बाद एक फिल्म शूट की उन्होंने जिसका नाम था इंग्लिश मीडियम, अभी हाल में ही रिलीज होने वाली थी पिक्चर, लेकिन उसके प्रमोशन के टाइम पे वो फिर से बीमार हो गए, तो उनके प्रमोशन नहीं कर पाए, लेकिन फिल्म फिर भी रिलीज हुई, 2-3 दिन चली, उसके बाद कोरोना के कारण सारे थिएटर्स बंद हो गए, तो फिल्म भी नहीं चल पाई। फिल्म फ्लॉप नहीं बोलेंगे, फिल्म बहुत अच्छी थी, मैंने देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, उसी तरीके का एंटरटेनमेंट जिस तरीके का हिंदी मीडियम में था, उसी तरीके का एंटरटेनमेंट पूरा था इंग्लिश मीडियम में, तो बहुत अच्छी पिक्चर है, आप लोग जरूर देखना एक बार जब आएगी वो अमेजोन पे या फिर नेटफ्लिक्स पे, अभी नहीं आई। और 5-6 दिन पहले ही उनकी माँ का देहांत हो जाता है, जहाँ वो जा भी नहीं पाते हैं, मतलब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कोई ट्रेन कोई प्लेन नहीं चालू है, कुछ नहीं चालू है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, हम घर से बाहर तक नहीं निकल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी माँ चली गई, और 3 दिन पहले वो खुद हॉस्पिटलाइज हो गए, वो सदमा था या कुछ और था पता नहीं मुझे, लेकिन वो दर्द तो ज़रूर होगा दिल में, मतलब वो माँ से नहीं मिल पाए लास्ट मोमेंट पे, या फिर उनको देख भी नहीं पाए, तो वो खुद हॉस्पिटलाइज होते हैं 3 दिन पहले, और आज खबर आती है कि उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही दुखद है यार, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मुझे। और भाई साहब, सिर्फ हिंदी इंग्लिश मीडियम ही नहीं, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं जहाँ वो कमाल का काम किए हैं, चाहे वो थैंक यू ले लो जो कमर्शियली इतनी बड़ी हिट हुई थी, पीकू ले लो, चाहे वो पान सिंह तोमर ले लो जहाँ उनको नेशनल अवार्ड मिला था, और भी बहुत सारी पिक्चरें, जैसे हॉलीवुड की एक पिक्चर मैंने इनकी देखी है, जुरासिक वर्ल्ड, और उसका जो लुक है ना, ये वाला जो लुक है उनका, और मुझे लगता था यार ये बॉलीवुड में ऐसा लुक इरफान खान को अभी तक किसी ने नहीं दिया है जो हॉलीवुड वालों ने दिया। तो मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था जुरासिक वर्ल्ड में, कैरेक्टर इन द सेंस बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जो जितना भी था ना बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी तरफ से ये छोटा सा ट्रिब्यूट है उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। तो चलो यार, कुछ डायलॉग सुनते हैं हम उनके जो बहुत बेहतरीन है। अबे मोहब्बत है इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। ये हेडमास्टर हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है, और आजकल पढ़ाई पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है धंधा।
चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। पिस्तौल की गोली और लौंडिया की बोली जब चलती है तो जान दोनों में ही खतरे में होती है। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। इंद्रजीत सिंह, हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है और हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। बस अतरी अंग्रेजी आवे हमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है, मेरी बातों को सुना है, मेरे जज्बातों को समझा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये आपकी मर्जी है करना है या नहीं करना है। लेकिन एक कॉमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर रेस्ट इन पीस लिख दो ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। तो मिलता हूँ मैं कल के वीडियो में, वहाँ मैं आपको एंटरटेन ज़रूर करूँगा। आज के लिए माफ़ करना क्योंकि आज सीरियसली बोल रहा हूँ, आज मैं वीडियो नहीं बनाने के मूड में था, लेकिन ये घटना हुई तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मिलते हैं हम कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।